शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक अलग नजदीकी आ जाती है ना अपने प्यार को खाते हुए देख। मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। अभय खाओ ना। मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे लिए भी नहीं। देखो अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसा करोगे मेरे साथ? तकलीफ तुम अकेले क्यों लेती हो? साथ लेते हैं ना, कुछ तुम लो कुछ मैं लेता हूँ। तुम आराम कर लो क्योंकि हाँ क्योंकि कल मेरा व्रत है। हमारा व्रत है? नहीं अभय प्लीज इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये व्रत हमारे रिश्ते की मजबूती के लिए है और हमारे रिश्ते में ना जितनी जरूरत तुम्हें मेरी है ना से कई गुना ज्यादा मुझे तुम्हारी है, इसलिए ये व्रत मैं भी रखूंगा। मुझे तो बहुत बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि मेरे लिए भी व्रत रखेंगे। हाँ आप जरा देखो इन्हें। मुसीबत जो कभी पीछा ना छोड़े वो है रागिनी। इसे पता चला कि मैंने व्रत रखा है श्रद्धा के साथ तो गए। अब इसे कैसे टरकाऊं? रागिनी के साथ तो बड़ा चटकारे मार मार कर इनकी पेट पूजा हो रही है। तो मेरी फिक्र ही नहीं है। ठीक है ना, तो फिर मुझे भी इनकी फिक्र क्यों होगी? अच्छी माफ करना, वो पता नहीं अचानक से बेचैनी सी और सर्दी हो गई है मुझे। पहले ना मैं दवा ले लेता हूँ उसके बाद खाना खा लूंगा। मैं दवा लेकर आता हूँ। तुम चाहे जितनी भी दवा ले लो अभय, लेकिन पूजा में मैं तुम्हें श्रद्धा के साथ नहीं बैठने दूंगी। पंडित जी। जी नमस्ते। पंडित जी नमस्कार। अब तो पंडित जी भी आ गए। अभय कहाँ है? लो बताओ, इस घर में एक ही तो नागिन है जो जहरीला नौ लखा हार बनकर हमारे अभय के गले में पड़ी हुई है। बेचारा आए भी तो कैसे? अरे हम उसकी माँ हैं, अभी जाएंगे कान खींच के उसे लेके आएंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। हाँ भाभी रुकिए, आप अकेले मत जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे, एक से भले दो चलिए। नहीं मम्मी जी, आप लोग अभय को जबरदस्ती लाने के लिए नहीं जाएंगे, आज पूजा है और ये वो बात जानते हैं। अगर उनके लिए भी ये पूजा जरूरी है तो वो खुद आएंगे। अगर आपके लिए पूजा सच में मायने रखती है अभय, तो मैं इंतजार कर रही हूँ। रागिनी ये इतना सारा खाना क्यों? ये सारा खाना मेरे प्यार के लिए, यानी तुम्हारे लिए। हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, लो ना। अरे इतनी जल्दी कैसे 5 बज गए? श्रद्धा तो गुस्से में फटने को तैयार होगी। मैं पहुंचा नहीं और टाइम हो गया पूजा के मुहूर्त का। मुहूर्त का समय हो गया है, हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमें पूजा शुरू करनी होगी। अरे भले वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया हो, लेकिन हम जाएंगे और खुद उसे यहाँ लेके आएंगे। हाँ चाची, अभी इस पूजा में नहीं आएगा तो रागिनी के साथ डेट पे गया। दे दो।
हम कह रहे हैं हमारी बात मान जाइए, आप इस पूजा में अकेले बैठ जाइए। जिसकी पत्नी व्रत में, उसका पति किसी और के साथ डेट पर, वो अभी नहीं आया है तो वो आगे भी नहीं आएगा। भाभी, आपको याद है जब बचपन में अभय को स्कूल से छुट्टी मारनी होती थी तो कैसे अतरंगी बहाने बनाता था ये लड़का? अभी उस रागिनी के आंख में मिट्टी नहीं डाल पा रहा। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। क्या हुआ, अचानक से खड़े क्यों हो गए? वो मुझे जाना है, वो बाथरूम जाना है मुझे, अचानक से पेट खराब हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। पूजा के इस चरण में आप दोनों पति पत्नी को भगवान के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करना है। आपके पति पुष्प मेरे हाथ में है। ओम सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघटो। हाँ जी सुनिए जी, वो मेरे साथ जो आए थे ना, वो कुछ देर पहले वॉशरूम गए थे, अभी तक आए नहीं है। जरा एक बार चेक कीजिए ना, आप सब ठीक है? मैम बाथरूम में 4 से 5 मिनट, मतलब लड़का खुश, बाजे खिल गई कि पसंद की लड़की से सेटिंग हो गई, पर 6 से 8 मिनट मतलब लड़का हिम्मत कर रहा है बात को आगे बढ़ाने के लिए, और 10 से 15 मिनट मतलब लड़का अपनी बदकिस्मती पे माथा फोड़ता हुआ निकल गया। से सर को कितने मिनट हुआ है? शट अप, जाओ अपना काम करो। अच्छा नहीं किया है। अब इस पे ना मैं चुप बैठूंगी ना बैठने दूंगी। पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कल्याण मस्तु। श्रद्धा,
तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो सबसे पहले कुछ खाओ और अपना व्रत तोड़ो। चलो आप। नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है, इसका क्या मतलब? चाची जी ने बोला ना कि आपने सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। हाँ तो क्या हो गया कीर्ति, एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो भूख से क्या मर जाऊंगी? अच्छा ये बात है। क्या बात है, हम समझे नहीं। कीर्ति रानी, हम तुम्हारी समझ का क्या ही करें? इतने सालों में तुम अपनी दीदू को समझ ही नहीं पाई हो। एक पतिव्रता पत्नी का व्रत उसका पति ही तोड़ेगा ना। अरे लेकिन अभय को वो रागिनी छोड़ेगी तब ना। बुआ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ पर मुझे सचमुच भूख नहीं है। जब तक श्रद्धा अपना गुस्सा ना निकाल ले अभय पे, उसे भूख नहीं लगेगी। अब अभय को आना ही पड़ेगा श्रद्धा के पास। पर उसके लिए तो पहले उस रागिनी को संभालना पड़ेगा ना, और अभय ऐसा करेगा कैसे? कैसे कर सकते हैं अभय मेरे साथ ऐसे? मैं यहाँ पर सुबह से भूखी हूँ और उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। ठीक है ना, तो जब तक वो नहीं आते मैं भी कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। खाली पेट इंसान को ऐसे टहल टहल के कसरत नहीं करनी चाहिए। आपको क्या पता है जो इंसान सुबह से भूखा प्यासा हो उसे क्या महसूस होता है? क्योंकि आप तो मजे में रागिनी के साथ गए हुए थे ना बाहर खाना खाने के लिए। अच्छा माफ कर दो यार, अब तो वापस आ गया ना, चलो खाना खा लो। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरी इतनी परवाह करने की। आप जाइए ना, आप उसी के साथ जाइए, बाहर मजे में खाना खा के आइए। तुम्हारे लिए तो सोचता हूँ हमेशा, जानती हो तुम। अच्छा प्लीज माफ कर दो यार, खा लो। पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सब कर सकता हूं बस व्रत नहीं रख सकता। आपने खाना नहीं खाया अभी तक? कैसे खाता, तुम्हें कहा था ना तुम्हारे साथ व्रत रखूंगा। तुम्हें पता नहीं है कैसे रागिनी को चकमा दिया मैंने, मैं ही जानता हूं। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। जानते हैं आप सब इस सभा के बारे में जो रागिनी ने इकट्ठे हम सबको यहाँ बुलाया है? हाँ नहीं यार, वैसे भी जब भी रागिनी हम सबको बुलाती तो कुछ ना कुछ बड़ा बुरा ही होने वाला होता। तुम्हें कुछ पता है क्या रागिनी दीदी? नहीं यार, इस बार तो मुझे भी नहीं पता ये क्या नया नाटक कर रखा है लोगों ने। बुआ जी, मुझे तो पूरा यकीन है कि रागिनी कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी हमने आज तक उम्मीद भी नहीं की होगी। क्या नया तमाशा करने वाली हो तुम रागिनी?
इस तरह से सबको यहाँ इकट्ठा करना, ये शौक बन गया है तुम्हारा? साइन करो इस पे। ये क्या है? ये तलाक। अभय और श्रद्धा के तलाक के पेपर्स हैं। रागिनी दी, ये डाली आपने गुगली जो सीधा दोनों अभय और श्रद्धा को उनके ही खेल से आउट कर देगी, क्योंकि अभय मर जाएगा पर श्रद्धा को तलाक तो कतई नहीं देगा। इतना क्यों सोच रहे? प्यार करते हो ना मुझसे? अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते तो फिर श्रद्धा के साथ शादी में बनने का क्या फायदा? साइन करो और खत्म करो ये सब। हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। दीदू आप चुपचाप क्यों खड़ी हैं? कुछ बोलिए ना, ये सब क्या है? आप ऐसा नहीं होने दे सकती। सुन भाई, ये तू भी जानता है कि तू श्रद्धा के बिना नहीं जा सकता। कोई जरूरत नहीं इस पे साइन करने की, ये गलती मत कर। वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ भाई, तुम इस पर साइन नहीं करोगे? अरे ये नागिन तो कुछ भी बोलेगी तो क्या तुम उसकी हर बात मानोगे? इस घर में एक एक सदस्य ने मेहनत की जो आज हम मंजिल के इतने करीब हैं। अब इस मोड़ पर अगर मैं पीछे हटा तो शक मुझ पे होगा रागिनी को, और मेहनत बर्बाद सबकी होगी। फौरन नीचे रखो और मेरे संग ऊपर चलो। यह तमाशा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वफादार ने तो पूरी कहानी पलट दी, ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें क्या किया है? तलाक के कागजों पर साइन करने का अंजाम पता है तुझे? घर बचाने के चक्कर में तुमने अपनी शादी दांव पे लगा दी। अरे नाटक करने का भी हद होता है कुछ। वो डायल रोज नए नए भस्म मारती रहती हमारे दिमाग पे। आज तो उसने हद ही कर दी, सीधा तलाक का स्वाहा मार दिया। अरे कल को वो उसी अग्नि को साक्षी बनाकर तुमसे साथ फेरे ले लेगी तो क्या तुम कुछ नहीं करोगे? ऐसे भूत की तरह खड़े रहोगे अभय? मुझे ये नाटक अभी के अभी बंद चाहिए। अब मैं पीछे नहीं हट सकता।
दीदू, हमने कहा था ना संभालिए अपने पति को, पर पता नहीं क्यों आपको इतना अंधा भरोसा क्यों है, जबकि आप जानती है ना कि वो रागनी हमेशा हमसे दो कदम आगे रहती है, पता नहीं फिर भी आप। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार श्रद्धा की भी तो सोच, ये सब देखकर उस पे क्या बीत रही हो। पता नहीं तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि वो रागनी बहुत खतरनाक है, इतने सारे झूठ में श्रद्धा तुम उसके लिए गड्ढा खोदते खोदते कहीं खुद के लिए खाई ना खोद ले। इसी वजह से मैंने तलाक के पेपर्स पे साइन किए। आप रागनी बहुत खतरनाक है, अगर आज मैं पीछे हट जाता तो ना जाने वो हमारे साथ क्या करती। देखिए अभी मैंने सिर्फ पेपर्स पे साइन किए, तलाक नहीं हुआ हमारा, तो ना मैं होने दूंगा। पापा, मैं बहुत करीब हूँ हमारा घर वापस हासिल करने में, रागनी का एक साइन और सब ठीक हो जाएगा, प्लीज उस पर भरोसा करके देखिए एक बार। ठीक है बेटा, लेकिन मेरा भरोसा तोड़ना मत बेटा, तोड़ना मत। मैं वादा करता हूँ आपसे, आप सबसे, बस मुझे कुछ दिन और दे दीजिए। समय ही तो नहीं है हमारे पास, अब रागिनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी है। तुम्हें 24 घंटे तमाशे करने की आदत हो गई, कम से कम आज के दिन अभय और श्रद्धा के तलाक वाली बात पे पछताने देती, लेकिन नहीं, उससे पहले ही एक और बुरी खबर सुनाने के लिए हम सबको फिर से यहाँ बुला लिया। आज तो मैं आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आई, अभय और श्रद्धा का तलाक फास्ट ट्रैक हो चुका है, कुछ ही दिनों में पेपर्स हमारे पास होंगे और इसी हफ्ते अभय और मैं शादी के बंधन में बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।